खजूर है यहाँ पर अलग अलग तरह की। और जो अभी तक आपने सुना होगा लड़कियों को पिंक कलर बहुत पसंद है कपड़ों में, वो पिंक कलर चाहते हैं। यहाँ पर लड़कियों के लिए स्पेशल पिंक कलर के अंडे। मोबाइल काफ़ी सस्ते, ये सिर्फ 500 रुपये का फ़ोन है। बहुत फेमस जगह यहाँ की हमारे हाफिज साहब आज की। अच्छा आप पहनना चाहेंगे एहतियात से? तो बहुत ही बहुत ज़बरदस्त जगह है जहाँ हम जा रहे हैं। मौसमत उमर मशाला अभी ले जा रहा था। मॉल में आए जो कि लूलू मॉल है, यहाँ का फेमस मॉल। और अबरार आगे जा रहा है ताकि वीडियो में आए, ब्लॉग में आने के लिए अबरार आगे जा रहा है। ये एंट्रेंस इसका मॉल सस्ते, ये सिर्फ 500 रुपये का फ़ोन है जो कि वीवो का है। और ये भी ये है 800 रुपये का फ़ोन, बहुत सस्ते फ़ोन है यार यहाँ पर। तो हम देखेंगे लैपी मैकबुक। साढ़े तीन रियाल का है, हमें 3.5 से मुराद कितने हुए हैं? 3.5 रियाल कितने अपने? 3.5 नहीं, क्या 4 रियाल? 5 का? हाँ 4 रियाल। ये पूरा मार्केट, सब्जी मार्केट यहाँ पर लुलू मॉल में। और यहाँ पर तरबूज का वीडियो बना, तरबूज एकदम खानदानी तरबूज है अहमदुल्ला। यहाँ पर पूरा गोश्त का ये बकरी का कीमा आएगा, मुर्गी का कीमा आएगा, अलग अलग कीमे आएंगे आपको इसके अंदर। अरे माशाल्लाह। तुम ये गोश्त है 6 रियाल, इसमें 6 रियाल कितना है भाई? 9.5 है, 5.5 रियाल तुम्हारे को छूट के, 5 पैसा दे रहा है इसी छूट। तो कितना मतलब 1 kg है क्या? ये बोलते हैं उसका लगाए में, क्या बोलते हैं गाय का, ये पूरा गोश्त है ये भाई तुमको एक खास चीज बताऊंगा। बता भाई। ये पूरा गोश्त है अलग अलग जो है, मतलब बकरे का है बराबर, बैल ऊंट वगैरह सब, बहुत पूरा कीमा वगैरह बना हुआ पूरा पैकेट आप देख सकते हैं। ये रोल क्या कह रहे हो? रोल कीमे। अच्छा देखो, एक मुर्गी का कीमा। मुर्गी का कीमा कैसा है यार? ये बीफ का कीमा, अरे बकरी का कीमा, बकरी के लाता है तो सर्फ है, जाके इसको गर्म पानी में डालो, रखो पिघल जाना। खजूर है यहाँ पर अलग अलग तरह की। और जो अभी तक आपने सुना होगा लड़कियों को पिंक कलर बहुत पसंद है कपड़ों में, वो पिंक कलर चाहते हैं। यहाँ पर लड़कियों के लिए स्पेशल पिंक कलर के अंडे, एकदम खानदानी अंडे। जो सुक्की साग की लड़की है वो ये अंडे खाएंगी तो मोटी मोटी ताज़ी हो जाएंगी। हाफिज साहब कह रहे हैं कि ये जो गोश्त है ये बकरे का है। और यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं हाफिज साहब, ये किसका गोश्त? ये बीफ का गोश्त है। बोलो ये किसका गोश्त हाफिज साहब? बकर, बकर, बकर गनम कुल शैन मौजूद। कली जी। गोश्त ऐसा लजीज लग रहा है, बस की निकालो और बिस्मिल्लाह।
और यहाँ पर मछलियों की वैरायटी अलग अलग है, इसकी वैरायटी अपन इसकी अलग मसालेदार, ये कौन से झींगे क्या वाली मच्छी है, ये बनी हुई मछली है, यहाँ पर अलग अलग तरह तरह की। और ये वो चिड़िया क्या है? अरे वो बोलते इसको झींगे, झींगे केकड़ा केकड़ा जाएगी ना, बस मकरू है, मकरू ममनू मकरू तो कैसा खाने का मकरू है ये। अच्छा अच्छा, सिल पैक मच्छी, ये पीस बना हुआ है तलने के लिए डायरेक्ट, और ये बर्फ वाला है, ये तो फ्रेश होगा बस। ये अपना लग रहा है इंडिया वाला, ये जो है ये वाला जो है ना, इसमें लाल पूरी की इंडिया में स्मेल बता दिया है, आ नहीं रहे कुछ तो चेंज हो ना ये पूरे क्या मतलब। व्हाट डू यू लाइक टू हैव केकड़े? डोंट वांट टू टच इट, मैंने टच नहीं करा अभी तक। जिम में रखी जाती है लेकिन उसको वहाँ से निकाल दिया, बेचने के लिए रख दिया गया। रेड फिश, इसका नाम क्या है? समका हामूर अहमर, इसका नाम तो सर के ऊपर से आ रहा है मेरे। कितना से यार, कितना है? ये पूरा जो सेक्शन था हमें देखिए, पूरा गोश्त का सेक्शन है यहाँ पर, आपको फिश वगैरह और अलग अलग तरह के ऊँट के बकरे के इसके गोश्त वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पर। इधर का जो एरिया, ये सब्जी, अच्छा सऊदी के प्याज है, ये कंट्री के नाम है क्या? यमन की, यमन का, यूएसए का आलू। अरे भाई साहब, पकड़। ये अमेरिका का है। आज हमारे हाथ में जो देख रहे हैं, ये हम गए थे कभी यूएसए, जाना सपना है, लेकिन आज यूएसए के आलू पोटैटो हमारे हाथ में, देखो पोटैटो। यहाँ पर अलग 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 कंट्री के जो सब्जियाँ वगैरह लाई हुई हैं उनके कंट्री का नाम लिखा हुआ है और उसके ऊपर यही लिखा हुआ है। ये तो प्याज से सब्जी सऊदी की, सऊदी में प्याज, ये भी सऊदी का है। चल रहा और हमारे सऊदी की फेमस चीज़ जो है खजूर है, अखरोट, ये अखरोट है यहाँ पर। ओह वाओ, ये तो पूरा फ्रूट्स का सेक्शन है यहाँ पर, पूरा अलग अलग तरह की फ्रूट्स। ये ब्रोकली ब्रोकली इंडियन नहीं है बस। सब्जी मार्केट इतना, अरे यार हमारे जलगांव को फेमस केला यहाँ पर देख सकते हैं आप। इंडिया एंड हिंदुस्तान इज़ द बेस्ट, आई लव माय कंट्री। पीते तो उसका यहाँ पर कहवा बहुत फेमस है, जिसके लिए यहाँ पर ये बहुत अलग अलग तरह के। कितने का यार? ये 50 रुपये निकले यहाँ पर। कब सासर भी है यार, सही है, बहुत ज़बरदस्त होता है, हेल्थ के लिए सही है। कभी आए सऊदी तो कहवा ट्राई कीजिए, हम लोगों ने कई बार ट्राई किया। यहाँ पर जो है जैतून का तेल है, जैतून ऑयल, ये पूरा ऑयल का सेक्शन है यहाँ पर आपको। 15 मिनट्स लेटर, ये आदमी का करता है वो मस्जिद के पास, वो मस्जिद का नाम फैसल है, फैसल मस्जिद, वहाँ गर्दन काटी है, ये बलद मेल लोकेशन, वहाँ गर्दन काटी है। लुलू मॉल घूमने के बाद हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पर आए, जहाँ पर आने के बाद पूरा दिल में सुकून आ गया और एक जगह की याद आ गई, वो है हमारी मरीन लाइन जो कि मुंबई की फेवरेट है। आप समझ चुके हम कहाँ पर होंगे, हम है अलमर्रा, ये एरिया का नाम है, जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सुकून है यहाँ का। अगर आप देखेंगे वाटर तो इतना क्रिस्टल है, क्रिस्टल वाटर है, के अंदर के जो पत्थर है, जो चीज़ें सब हमको एकदम आँखों से नज़र आ रही है, और बहुत ज़्यादा करीब में पानी है, ज़्यादा इधर तो ज़्यादा पानी नहीं है, आगे पूरा समुंदर है, और पीछे आप देख रहे हैं पोर्ट है, जहाँ पर बैरूनी मालिक से
जो है सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है वहाँ पर, और वहाँ पर एक खूबसूरत चीज़ दिखाते हैं, यहाँ का व्यू दिखाते हैं जबरदस्त। होटल बनी हुई यहाँ पर, जो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बहुत बड़ी शिप है, पानी का जहाज़ है, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट है तो उसके हिसाब से उसका डिज़ाइन भी उस तरह बनाया गया है। और चांद देखो कितना माशाल्लाह यार, सुभान अल्लाह, एकदम फुल चांद है। ज़िलहज का महीना शुरू है, आपका टाइम हो चुका है। तो यहाँ की एक ख़ास बात है कि यहाँ पर नमाज का इंतज़ाम आपको दिखाते हैं। मस्जिद हमारे रहमतुल्ला भाई बैठ, ये पूरी नमाज के लिए जगह बनी हुई है। इंडिया की ज़बान में कहे तो मरीन लाइन, और सऊदी की ज़बान में कहे इस जगह का नाम तो अलहमरा है। अलहमरा का खूबसूरत समुंदर, फवारा देखा, फवारा देखा, फवारा देखा।